नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के साथ तीन और लोगों को पकड़ा गया है। यूपी पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार वो मेरठ में नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। यूपी पुलिस की 12 टीमें आरोपी की तलाश में तीन राज्यों में लगातार जुटी हुई थी। अब इस गालीबाज का क्या होगा, देखें इस रिपोर्ट में। फरारी के दौरान आरोपी लगातार पत्नी अनु त्यागी और अपने वकील के संपर्क में बना हुआ था, जो उसे भारी पड़ गया। कोर्ट में पेशी के सपने देख रहा गालीबाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे मोबाइल नंबर से वह दोनों से बातचीत कर रहा था और सलाह मशवरा कर रहा था। यहीं से ही उसकी तलाश में जुटी यूपी को बड़ी लीड मिली और आरोपी को उसकी लोकेशन आधार पर मेरठ में धर दबोचा। इससे पहले आरोपी की लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो मौके से भाग निकला था। बताया गया कि श्रीकांत त्यागी बीती रात ही सहारनपुर से मेरठ पहुंचा, जहां वह श्रद्धापुरी कॉलोनी में अपने करीबी के घर रुका था। आरोपी अपने करीबी की मदद से कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। इधर पुलिस ने आरोपी की एक और कार बरामद की है। इस गाड़ी पर यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कार पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। यह कार गौतम बुद्ध नगर के जिले में यूकूबपुर से बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी इसी कार में बैठकर फरार हुआ था और फिर गाड़ी को एक जगह छोड़कर वो आगे निकल गया था। तहकीकात में पता चला कि इसके मालिक का नाम जितेंद्र यादव है, जो कि कंपनी का डायरेक्टर है। 6 जून 2013 को जितेंद्र इस कंपनी का डायरेक्टर बना था। फिर 1 दिसंबर 2018 ओमनीश कुमार दूसरा डायरेक्टर बन गया था। बता दें कि खुद को बीजेपी नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा स्थित ग्रैंड ओमी सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। महिला ने सोसाइटी के साझा क्षेत्र में पौधे लगाने पर आपत्ति जताई थी। इससे भड़के त्यागी ने महिला से गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की तक कर दी थी। इस मामले का वीडियो वायरल होने पर शासन प्रशासन हरकत में आ गया। फिर नोएडा अथॉरिटी के सोसाइटी में त्यागी के ग्राउंड फ्लोर पर बने फ्लैट के बाहर बन गए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। पुलिस के पसीने छुड़ाने वाले गालीबाज को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन अब पछतावत क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। योगी की पुलिस ने इसकी हेकड़ी निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका अंजाम आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।